Hello student, how are you? Today we are going to talk about some basics of economics. Economics खुद ही क्या है? Naturally आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो basic structure है मतलब economics का उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ना कि किसी part के बारे में, ना किसी chapter के बारे में. 11th में जो student आए हैं उनके लिए बहुत important video है, उनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके सामने ये questions रहता है कि एक नया subject उनके सामने आया है economics. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाई वी यूज इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स आप क्यों पढ़ने जा रहे हो. तो बेसिकली देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होती क्या है. तो आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि बच्चों के लिए एक बड़ा सवाल रहता है कि इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले यही पता लग जाए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है बेसिकली. तो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं पहले आपको बेसिक कुछ बात बता दूं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड आया है ये बेसिकली कहां से ड्राइव किया है. ये ग्रीक से डिराइव किया गया है, कि एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, कि मतलब ये डायरेक्ट वर्ड नहीं आया, ये कहां से कुछ वर्ड से लिया गया है, कहां से, ग्रीक से, जो कि जो ग्रीक वर्ड की एटिमोलॉजी है, किस एटिमोलॉजी से लिया गया है, वे ओकिनोमिया से लिया गया है. ओकिनोमिया से ये वर्ड डिराइव किया गया है. ओकिनोमिया का मतलब होता है द मैनेजमेंट, मैं इसे एनजीटी लिख रहा हूं, इसका मतलब है मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड, द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड से क्या मतलब है. हाउसहोल्ड से मतलब है कि जो चीजें आप घर में यूज करते हो, मतलब जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं, बेसिकली ऑल रिसोर्सेज, मतलब उसको आप कह सकते हो सब रिसोर्सेज, उनका मैनेजमेंट करना इकोनॉमिक्स कहलाता है. हाउसहोल्ड से मतलब क्या है, क्या बात कर रहे हो आप, किसी रिसोर्स की बात कर रहे हो, किसी आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हो. रिसोर्स कैसा, कोई भी चीज हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है और कोई भी गुड्स हो सकता है. रिसोर्सेज का क्या मतलब है, कुछ भी हो सकता है. तो इसमें अब मैनेजमेंट कैसा, इकोनॉमिक्स उसमें क्या मैनेजमेंट करेगी, क्या मैनेजमेंट करेगी. अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, सपोज आप बात कर रहे हो, मेरे पास, सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक, कि मेरे पास 5000 रुपीज है. क्या है, मेरे पास 5000 रुपीज है, कहीं से भी आए, मेरे पास 5000 रुपीज है. तो क्या ये अनलिमिटेड एक रिसोर्स है, क्या मैं इनसे एक अनलिमिटेड रिसोर्स खरीद सकता हूं, क्या 5000 रुपीज में मैं क्या अनलिमिटेड मिल्क परचेज कर सकता हूं, नहीं. क्या मैं मोबाइल्स, क्या अनलिमिटेड मोबाइल्स परचेज कर सकता हूं 5000 रुपीज में, नहीं. क्या मैं शूज, कोई ऐसा शूज है, क्या होगा, ये सब चीजें कहां से बिलोंग करती हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि हाउसहोल्ड से रिलेट करेंगे, घर में यूज होने वाली चीजें, शूज, मिल्क, मोबाइल्स, ये सब. तो क्या 5000 रुपीज में मैं मिल्क अनलिमिटेड परचेज कर सकता हूं, नहीं. तो कहीं ना कहीं और क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो है अवेलेबल पूरे वर्ल्ड में, जो रिसोर्सेज है हर कंट्री के पास, वो कहीं ना कहीं किस फॉर्म में है, वो स्कार्स है. क्या है, उनकी कमी है, मतलब एक लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है. बट हमारी परचेजिंग पावर जो है वो अनलिमिटेड है. क्या ऐसा होगा कि आज, मतलब वन डे ऐसा हुआ है कि मैंने, क्या हुआ, आज मैंने मिल्क परचेज कर लिया, तो क्या नेक्स्ट डे मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी मिल्क की, क्या मुझे मिल्क की जरूरत नहीं है, मैं फिर परचेज करूंगा. और थर्ड डे क्या मुझे फिर मिल्क नहीं चाहिए, और एवरी टाइम इन माई लाइफ मिल्क की मुझे जरूरत पड़ती रहेगी. इट मीन्स कि कोई भी जो मेरी नीड है वो क्या है, अनलिमिटेड. तो इसमें तीन चीज आती है, आप कह सकते हो कि मेरी नीड, डिजायर, कि कोई भी इच्छा हो सकती है, और रिक्वायरमेंट, कोई भी कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये चीजें अनलिमिटेड है. ये सब मेरी वॉन्ट्स में आती है, किस चीज में आती है, वॉन्ट्स में आती है. अच्छा वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. आपको ये बात समझ में आई मैं जो आपको बताऊं. इकोनॉमिक्स बेसिकली कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया, जो एक एटिमोलॉजी से यूज किया गया, ओकिनोमिया से. ऑकिनोमिया का मतलब होता है द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड से मतलब कि वो रिसोर्सेज, वो चीजें जो हाउसहोल्ड में यूज होने वाली है, मतलब घर में यूज होने वाली चीजें, उनका मैनेजमेंट करना इकोनॉमिक्स सिखाता है. कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है. अच्छा इकोनॉमिक्स का काम यही खत्म नहीं हो जाता, कि मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट आप एक वर्ड में को डिराइव नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट हो गया दैट्स ऑल. मैनेजमेंट है क्या बेसिकली, किस तरह का मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड. ये बात हमें क्लियर होगी कि इकोनॉमिक्स क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड. बट ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती,
कि सिर्फ मैनेजमेंट आपने बोल दिया कि हाउस होल्ड से यूज होने वाली चीजें, मतलब जो अभी आपको बताया गया जैसे मिल्क हो गया, मॉप हो गया, मोबाइल हो गया और आपका शूज हो गए, कुछ भी एवरीथिंग वट एवर आप यूज कर रहे हो, उन सबका यूजेज उनका मैनेजमेंट करना इकोनॉमिक्स होता है। तो मैनेजमेंट ऐसे डिराइव नहीं होता सिर्फ। अब बात आती है कि जो ये रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हो, ये कैसे बताए आपको, ये रिसोर्सेज आपके पास, ये रिसोर्सेज स्कार्स हैं। कैसे हैं? ये आप स्केर रिसोर्सेज की बात कर रहे हो। किन रिसोर्सेज की बात कर रहे हो? स्कार्स की। मतलब दो बात आती है कि आपको जो नीड है, जो डिजायर है, जो आपकी वॉन्ट्स है, वो कैसी है? वो अनलिमिटेड है। वो कैसी है? अनलिमिटेड वॉन्ट्स आपकी है। बट जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कैसे हैं आपके पास? वो लिमिटेड है। वो कैसे हैं? लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो कैसे होगा, कैसा मैनेजमेंट करना है आपने? अब आपको शायद थोड़ी इमेज क्लियर हो रही होगी। द मैनेजमेंट हाउस होल्ड का मतलब हाउस होल्ड से आप बात कर रहे हो, कुछ रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हो। किनकी बात कर रहे हो? रिसोर्सेज की बात कर रहे हो। और वो रिसोर्सेज आपका स्केर्स फॉर्म में है, मतलब लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है। और इनलिमिटेड रिसोर्सेज को आपको कैसे यूज करना है? आपकी डिजायर्स, मोबाइल, मिल्क, शूज, एवरीथिंग, आप जो वट एवर यू आर परचेजिंग, वो नीड, वो रिक्वायरमेंट कैसी है आपकी? अनलिमिटेड। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज मेरे पास 5,000 रुपीज है, तो 5,000 रुपीज क्या है मेरे लिए? मैं क्या कर सकता हूं? मेरी डिजायर क्या है? अनलिमिटेड। क्या मैं इससे अनलिमिटेड मिल्क परचेज कर सकता हूं? नहीं। मतलब आप दो चीज आती है इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर क्या आ गया? जैसे आपको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन आपकी सर्विसेज में आती है। और क्या आती है आपकी? हेल्थ फैसिलिटी आपकी आती है, हेल्थ फैसिलिटी होगी, सिक्योरिटी आपकी होगी। तो ये सब आपकी सर्विसेज में आती है। क्या आपकी लिमिटेड है? क्या एजुकेशन आपको लिमिटेड है? ये सब चीजें आपकी अनलिमिटेड वॉन्ट्स में आती है। और गुड्स में अंदर क्या आ गया? जैसे मिल्क हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब आपके गुड्स का पार्ट हो गए। ये किसका पार्ट हो गए? गुड्स का पार्ट आ गया। मतलब अनलिमिटेड वॉन्ट्स किसकी है आपको? गुड्स एंड सर्विसेज की अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने आज कोई चीज परचेज की, ऐसा नहीं हुआ कि आपने लास्ट टाइम परचेज की, आप नेक्स्ट टाइम फिर परचेज करोगे। सपोज कोई आपने मोबाइल परचेज किया, तो ऐसा नहीं है आपने लास्ट टाइम परचेज किया, आप मोबाइल नेक्स्ट टाइम फिर परचेज करोगे। और एवरी नेक्स्ट टाइम आपकी जो डिजायर्स है वो कभी फुलफिल नहीं होती। ये एक ओरिजिनल ट्रुथ है। मिल्क आपकी नीड है, वीट, रोटी खाना, आप डेली का जो मील आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या वो लिमिटेड है? आप नेक्स्ट टाइम फिर आपको भूख लग जाती है, आप हंगरी होते हो, फिर आप फूड को गेन करते हो, तो वो सब क्या है? एक अनलिमिटेड वॉन्ट्स का पार्ट है। और रिसोर्सेज कैसे हैं आपके पास? रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्या इंडिया के अंदर मैं राइस की बात करूं, क्या राइस अनलिमिटेड लेवल पर अवेलेबल है? क्या पेट्रोल आपके पास अनलिमिटेड है? आप क्या चाहते हो? आप बाइक और कार अनलिमिटेड चलाना चाहते हो क्या? आप नहीं चाहते कि कोई हर्डल आपके सामने है। बट क्या है? रिसोर्सेज कम है, पेट्रोल आपके पास कम है, मनी आपके पास लिमिटेड है। 5,000 रुपीज अगर मेरे पास कहीं से आए हैं और मुझे कुछ परचेज करना है, मेरी डिजायर परचेज करने की वो अनलिमिटेड है। और मेरे पास जो रिसोर्स हैं, जो पैसे हैं, वो सब लिमिटेड है। मतलब रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है वो स्केर्स हैं और लिमिटेड कह सकते हो आप। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। तो इन दोनों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, वो सब काम आपका इकोनॉमिक्स करता है। तो आप कह सकते हो द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड से मतलब ये है, हाउस होल्ड के अंदर जो रिसोर्सेज आपको चाहिए उनको पर्टिकुलर अमाउंट में आपको अवेलेबल कराना, वो आपका इकोनॉमिक्स का काम है। किसका काम है? इकोनॉमिक्स का काम है। तो कुछ चीज और देख लेते हैं आपको मैं बता दूं। अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इकोनॉमिक्स वर्क करता है। आपने देखा कि इकोनॉमिक्स एक पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मैनेजमेंट का काम करता है, किसके बीच में? इट मींस स्केर रिसोर्सेज के बीच में और अनलिमिटेड वॉन्ट्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे क्रिएट किया जाए, उन दोनों को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। मतलब आपको कोई चीज चाहिए और उसे कैसे आपको अवेलेबल कराया जाए रिसोर्सेज से, वो सब काम आपका इकोनॉमिक्स करता है। मतलब पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो इकोनॉमिक्स काम करता है। तो कुछ देख लेते हैं हम लोग, बेसिक प्रिंसिपल किस पे काम करता है इकोनॉमिक्स। मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल कहने का मतलब है पूरा इकोनॉमिक्स जिसपे डिपेंड है, जो काम कर रहा है वो किस फिनोमेना पे काम कर रहा है, वो बेसिक
प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल है आपका डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई वो एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके लिए पूरा इकोनॉमिक्स काम कर रहा है। अच्छा अभी आप बात कर रहे थे अनलिमिटेड वांट्स की, मतलब डिजायर्स की, नीड की, मेरी रिक्वायरमेंट, मेरा सेटिस्फेक्शन की आप बात कर रहे थे, तो वो सब कहां कंटेन करता है? वो सब आपका डिमांड में कंटेन होता है। वो सब कौन कवर करता है? डिमांड। कि आपकी मार्केट में सपोज कोई गुड्स है, कोई मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, मतलब उसे कोई खरीदने वाला ही नहीं है, कंज्यूमर अवेलेबल नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? क्या इकोनॉमिक्स काम करेगी? कोई मार्केट कुछ भी वर्क नहीं करेगा, पूरा स्ट्रक्चर बेकार है अगर आप पास किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तभी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई। सप्लाई से क्या मतलब है? सप्लाई करने का मतलब है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से मतलब है कि जो आप सेल कर रहे हो कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, वो सब कहां कनेक्टेड है? वो डिमांड एंड सप्लाई दोनों का बराबर रोल है। सपोज मार्केट में डिमांड है, या आप कह सकते हो मार्केट में आप एक पैकेट परचेज करने गए, सर्फ का कोई पैकेट परचेज करने गए, या किसी भी चीज का कोई पैकेट परचेज करने गए, वो अगर आपकी मतलब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो आपकी डिमांड वेस्ट, आप परचेज नहीं कर सकते, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रोडक्शन नहीं है किसी प्रोडक्ट का तो डिमांड वेस्ट है, डिमांड अवेलेबल नहीं है। तो अगर डिमांड नहीं है और आप सप्लाई कर रहे हो उस गुड्स की, तो तब भी आपकी आपकी सप्लाई वेस्ट है। इट मींस दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। मतलब कोई डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कब वर्क करेगा? जब दोनों अवेलेबल होंगे। तो आप किस चीज को प्रोवाइड कराओगे? जब डिमांड होगी, इकोनॉमिक्स किस पे वर्क करेगा कि कितनी डिमांड है, कहां से आपको अवेलेबल कराना है कोई प्रोडक्ट, वो डिमांड से क्लियर होगा। और सप्लाई, क्या चीज सप्लाई करनी है, क्या इंटरेस्ट है कंज्यूमर का, किस एरिया में किस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन करना है, क्या अवेलेबल कराना है, वो कौन देखता है? वो सब आपका इकोनॉमिक्स देखता है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो इकोनॉमिक्स का है वो है डिमांड एंड सप्लाई, जो उस पर वर्क करता है। अच्छा, जो एक डायरेक्शन दी है हमारे इकोनॉमिक्स को, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को डायरेक्शन देने वाला कौन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन किसने दी है, तो वो दी है एक इकोनॉमिक्स में जिन्होंने बुक लिखी है, एक बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन करके। वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से एक बुक लिखी गई है, वो लिखी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने लिखी है, जो 1776 में लिखी गई है, जिसने क्या हुआ, क्लासिकल इकोनॉमिक्स को एक वे दिया है, एक डायरेक्शन दी है। आप अगर कह सकते हो, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप कह सकते हो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वो है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एक परिभाषा दी है, इन्होंने एक बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन करके, एक बुक लिखी है, तो उसको लिखने वाले एडम स्मिथ है। उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरीज दी है इकोनॉमिक्स के लिए और इकोनॉमिक को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी है। तो आप कह सकते हो, ये क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बच्चे पूछते हैं कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप आंसर दे सकते हो कि एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट थिंग देख लेते हैं कि आपके पास इकोनॉमिक्स में क्या होता है। ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया, अब इकोनॉमिक्स होती क्या है बेसिकली। नाउ हम देख लेते हैं, आपके पास दो पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के। क्या कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, पहला माइक्रो पार्ट और दूसरा मैक्रो पार्ट। आपने पढ़ी है ना कि आपके पास इलेवेंथ में जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है, अपडेट सिलेबस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में। तो ये माइक्रो और मैक्रो को डिवाइड करने वाला कौन है? मैं आपको बता दूं कि 1933 में एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रेंगर फ्रिच। रेंगर फ्रिच करके एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया है पूरी इकोनॉमिक्स को। मतलब इन्होंने एक बड़ा डायरेक्शन दिया है, मतलब बड़ी डेफिनेशन दी है किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, और इन्होंने इसका डिवीजन किया है माइक्रो और मैक्रो फॉर्म में।
अब ये माइक्रो और मैक्रो क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स से आप समझ गए मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ये आप जानते हो। सोशल साइंस क्यों किया, मतलब आप किस चीज का मैनेजमेंट कर रहे हो, एक फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, इट मींस। ठीक है, आगे हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसकी, बेसिकली अभी आपको पता चल गया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, और डिविजन्स होता है माइक्रो की फॉर्म में और मैक्रो की फॉर्म में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जब आप बात कर रहे हो सूक्ष्म वे में, इट मींस इंडिविजुअल पर्सन की। सपोज एक फैमिली है, एक फैमिली है, एक फैमिली मैंने ली है, ये फैमिली है, फैमिली के अंदर फाइव कैंडिडेट्स हैं, फाइव कैंडिडेट्स हैं, फाइव मेंबर इस फैमिली में रहते हैं। जब मैं एक पर्टिकुलर मतलब सिंगल सिंगल मतलब इंडिविजुअली सबके बारे में स्टडी करता हूं और इनके बारे में बात कर रहा हूं, इनकी डिजायर, इनकी वॉन्ट्स, इनकी एवरीथिंग, जब मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं इंडिविजुअली, तो ये पार्ट होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं बी पर्सन की, तो ये पर्सन क्या होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। इट मीन्स आप स्टडी कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब आप इस ऑल ओवर फैमिली की बात कर रहे हो, मतलब पूरी फैमिली के बारे में जब आप बात कर रहे हो, तो ये पार्ट होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ऐसे ही कि अगर आप एक कंट्री की बात कर रहे हो, मतलब ऑल ओवर कंट्री की बात कर रहे हो, तो वो बात हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब जब एक कंट्री के पर पर्सन इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से बात कर रहे हो, तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। जैसे आप सेंसिस नहीं लेते, जनगणना जो होती है जब इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं, तो उससे आप एग्जांपल ले सकते हो कि जब आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो इट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। बट जब आप एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे हो, ऑल ओवर द पीपल्स की बात हो रही है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स।